अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब, आज पढ़ाऊं था चैप्टर नंबर 3 क्लास फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 3 आए आए उन्हें जो लेक्चर नंबर 5 आए, लेक्चर नंबर 5 लास्ट लेक्चर में ऐसा पढ़ो से स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम चाहे उन्हें जा बकिस्मा एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वे पढ़िया से आई टुडे ऐसा टाइप ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ना से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड ए डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो नंबर 1 है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहीं चेब आए जड़े सनलाइट पास करना है प्रिज्म, सनलाइट आए या का ब्लफ लाइट आए या पास के था स्लिट आर बीम आई या पास के था थ्रू द प्रिज्म गिलास त्रिकुंडो एकड़ो गिलास आने मा तो लाइट मुड़ी बिंदी आई सेवन डिफरेंट कलर्स में ब्रेकअप थी विंदी आए सेवन डिफरेंट कलर के पड़े उसे विबग्योर वी आई बी जी वाई ओ आर विबग्योर तो जेके ऐसा सनलाइट बल्ब लाइट आर एनी इनकैंडेसेंट लैंप मां पास क्यों आई वा पास से प्रिज्म मां तो लाइट मुड़ी विंदी आई सेवन डिफरेंट कलर में ब्रेकअप थी विंदी आए द बैंड ऑफ कलर के चबा स्पेक्ट्रम ताने कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम जो डेफिनेशन चाहे द कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम आर सो मिक्स्ड अप आर सो मिक्स्ड अप या ये क्यों डिफ्यूज्ड है पार में डिफ्यूज से लाए ने देयर इज ए नो लाइन ऑफ डिमार्केशन का भी फर्क दिखाई दे रहा लाइन ना होती उन्हें के दरमियान बिटवीन ए द डिफरेंट कलर्स सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बिटवीन द डिफरेंट कलर्स सच टाइप इज कॉल्ड ए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इन्हें ही चे विंदो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आए जगह सनलाइट स्लिट आर बीम वापस क्यों आए वापस से थ्रू प्रिज्म प्रिज्म मा तो यह लाइट डिविएट मुड़ी नहीं दी आई सेम इन डिफरेंट कलर्स में मिक्स टूटी पड़ी इन कलर ऑफ मिक्सचर के चबा स्पेक्ट्रम द कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम चाहे द कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम जेकी सेवन कलर आए ने आर सो मिक्स्ड अप पार में मिले लाए ने डिफ्यूज्ड आए ने इन में काब शार्प लाइन ना है तेज लाइन ना है जेकी डिमार्केशन निकारे बिटवीन द डिफरेंट कलर फर्क दिखारे मुख्तलिफ कलर्स के बीच में देयर इज नो लाइन ऑफ डिमार्केशन between the different color such type of spectrum is called continuous spectrum ene ke te vindwa continuous spectrum acha ene ka po hai discontinuous ya line spectrum acha kala discuss kayo se to violet vadma vad mudiyo a ene ni wavelength tha 4000 angstrom
रेडे घटमा घट मुड़ियो आए डिविएट थियो आए एने की वेवलेंथ था 7000 एंगस्ट्रॉम ब्यार कलर इन जी दरमियान में आए ने जैती वेवलेंथ घट हुंदी आए उन जी एनर्जी ए फ्रीक्वेंसी वधिक हुंदी आए त वायोलेट कलर मोर एनर्जेटिक है मोर फ्रीक्वेंसी आरो आए रेड कलर सभी का लेस एनर्जेटिक है आई लेस या लोअर फ्रीक्वेंसी आरो आए अचवाने ने का पो आए डिसकंटिन्यूअस है नंबर टू आए डिसकंटिन्यूअस आर लाइन स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस आर लाइन स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस या लाइन स्पेक्ट्रम कंखे चबो आए ये उठांदो आए जने सा लाइट के कैक्रोस ट्यूब लाइट में मां बाहर के दंदाजे कै गैसियस एटम के कैक्रोस ट्यूब में एक्साइटेड हालत में आए हो आए उन्हें मां लाइट बाहर निकले आए उन्हें मां उन्हें के प्रिज्म आप पास कहे हो दैट स्पेक्ट्रम इज ए डिसकंटीन्यूअस या लाइन स्पेक्ट्रम मिलन दो दार ही आए ट्यूब लाइट है क्रूस ट्यूब लाइट प्लस माइनस है एनोड कैथोड है इन के साथ हाई वोल्टेज बैटरी सा कनेक्ट कर के हूं माइनस माइनस प्लस प्लस सा लोवेस्ट प्रेशर ते इन मां करंट पास आ के हूं असा सोडियम गैस के इलेक्ट्रिकल हीट के हूं था क्रोक्स ट्यूब लाइट के अंदर क्रोक्स ट्यूब लाइट में ब इलेक्ट्रोड रखवा है प्लस एनोडा माइनस कैथोडा इने बिनी के बैटरी सा हाई वोल्टेज बैटरी सा कनेक्ट के हुआ आइन मा 5000 वोल्ट करंट पास आ गयो प्रेशर लोवा 0.1 का 0.01 mA मर्क्यूरी प्रेशर लोवेस्ट कहवा आईने भी सपोज कह सोडियम गैस आ सोडियम वेपर आयन है आ ये जने पास कहूं सिलिट या बीम मा आफ्टर उने का पास के प्रिज्म मा द सेम इन लाइंस मिलंदियो पर सीरीज ऑफ लाइन में एक या ब लाइन डोमिनेंट कलर दिखा रही दियो ब्यार कलर मिस हुंदा ए हिकड़ो कलर जाहिर थिंदो सोडियम जो जेको कलर जाहिर थिंदो ओ येलो कलर जाहिर थिंदो मना ट्यूब लाइट मा देखे सोडियम गैस भरी वने त उने मा येलो कलर बाहर नजर ईंदो त जने सोडियम गैस लाइट पास के प्रिज्म मा त सीरीज ऑफ लाइनो मिलियो पर डोमिनेंट कलर जेको आ ओ येलो कलर आ येलो कलर आइडेंटिफिकेशन आ सोडियम एलिमेंट जी त हिन में सोडियम गैस भरियल आए त हर एक लाइन ए सेपरेट हुंदी उन जो कंप्लीटली डार्क बैकग्राउंड हुंदो ऐ उन में शार्प लाइनूं मिलंदियो ऐ उन में मिक्सअप लाइनूं न हुंदियो सेपरेट शार्प लाइनूं ऐ कंप्लीटली डार्क बैकग्राउंड मिले दैट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस या लाइन स्पेक्ट्रम त जेकर असां एग्जांपल कयो सोडियम गैस जो त
उन्हें सीरीज ऑफ लाइन में डॉमिनेंट लाइन है येलो कलर जाहिर थी दो बिया कलर मिसिंग हुंदा उन्हें का डिम हुंदा येलो कलर आइडेंटिफिकेशन आ सोडियम गैस की ताने चो इनके डिफाइन था क्यों इफ द लाइट फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब या क्रूक्स ट्यूब का सागिया इज अलोट पास थ्रू अ प्रिज्म some discreate discreate mana natija hai sharp line se otherwise completely dark background is obtained is called a line spectrum. Dichroic tube light ma low pressure te kain gas ma current pass kaje ai wa excited halat mein change thi bane ai unne ma radiation ba nikrene आए उन्हें कि प्रिज्म आप पास के वने तन नतीजन शार्प लाइनों मिलन दियो आए उन्हें जो बैकग्राउंड डार्क हों दो आए उन्हें कि वो लाइन स्पेक्ट्रम आर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ये एग्जांपल बतो से सोडियम गैस जे के रहे क्रॉस ट्यूब लाइट में गर्म के वने एक्साइटेड हालत में तो सोडियम गैस गिव्स ए येलो कलर येलो कलर ये हुआ उन्हें दी आइडेंटिफिकेशन आए सोडियम के स्ट्रीट लाइट तौर पे कमानी दायम सोडियम गैस यूज्ड एज स्ट्रीट लाइट है नियान गैस है used as advertisement neon gas ki kya use kar diya advertisement tor hai kahani jo background dark the sharp line hue the main ta unhe ke baad discontinuous ya line spectrum जो कलर्स मिक्सअप अचन पान में डिफ्यूज अचन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कई मॉलिक्यूल जो थी सके तो वो चाहे गैस में हुए कें सॉलिड में हुए या लिक्विड बॉडी में हुए पर डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम एलिमेंट जो है जैसे कें एलिमेंट की गैस के असा ट्यूबलाइट में एक्साइटेड हालत में कन्वर्ट क्यों ऐ उना के रेडिएशन के पास का प्रिज्म मा त वे नजर इंदियो जेकर ट्यूब लाइट मा ब कलर बाहर निकरंदा त उने की चेबो त इने में बगे सु फिल अप थे लाइने डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में डोमिनेंट कलर जाहिर थिंदवा ए बिया कलर मिसिंग गुम हुंदा इने का ट्यूब लाइट मा ग्रीन कलर सो अचे त उने में एकडी गैस भरे लाया का ट्यूब लाइट में ट्रे कलर था अचन डिफरेंट त उने में ट्रे गैसों भरिया लाइन एक्साइटेड हालत में तहानी डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम यूज्ड एज ए फिंगरप्रिंट से
फिंगर, प्रिंट स्टोरर, फादर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए अस लाइन स्पेक्ट्रम या डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम यूज करना है। और इस स्पेक्ट्रम जो कॉन्क्लूवन केड़ो निकतो स्पेक्ट्रम चाहिए तो डिफाइन करे स्पेक्ट्रम जो मतलब आए इन एटम इन एटम इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए डिफरेंट एनर्जी लेवल डिफरेंट एनर्जी लेवल है विथ ए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐसा भी नहीं इलेक्ट्रॉन जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक जो ना कॉन्क्लूवन स्पेक्ट्रम जो यो निकतो तो एटम के अंदर सब इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल से आ रहे हैं सभी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंट है पर एक काइंड ऑफ एलिमेंट जा सभी रेडिएशन है जिके बे निकरंदा स्पेक्ट्रम सेम टाइप ठाइंदा उनका आपको आए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एविडेंस ऑन न्यूक्लियस एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विद एन एटम इन छो एविडेंस दिखा रहे ऑफ न्यूक्लियस एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स विद एन एटम एटम में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की क्या अरेंजमेंट किया है रदरफोर्ड जो जो एक्सपेरिमेंट आए वो इन बेसिस पे आए अल्फा पार्टिकल घने तदाद में मैटर फॉल के मत पास क्या वजन तो उन्हें मां मुख्तलिफ एविडेंस मिलिया तो रदरफोर्ड जो जो मशहूर एक्सपेरिमेंट आए उन्हें में गोल्ड फॉल थे सोने जो सनड़ो हिस्सो फॉल मना तमाम बारीक हिस्सो पेपर जड़ो सनड़ो हिस्सो कहीं गोल्ड फॉल आयो उन मथा अल्फा पार्टिकल के अटैक रहे हीलियम हीलियम के अल्फा पार्टिकल चे वेंदो आए अल्फा पार्टिकल से अल्फा पार्टिकल जो एकड़ो ह्यूज नंबर ये समझो एकड़ो कैप्सूल जे में अल्फा पार्टिकल तमाम घणा 8000 अल्फा पार्टिकल वे बम्बार्ड कराया गोल्ड फॉइल के मथा सिद्धो गोल्ड फॉइल के मथा अटैक कराया अल्फा पार्टिकल इन कैमा वता पोलोनियम एलिमेंट मा पोलोनियम ताबकार एलिमेंट आ पोलोनियम एलिमेंट मा इन अल्फा पार्टिकल हासिल किया आई ही के वक्त एकड़ो वडो कैप्सूल अल्फा पार्टिकल जो कहीं आए उनके एट ए टाइम गोल्ड फॉइल के मथा अटैक कराई बम्बार्डेट कराई दाहिन ऑब्जर्वेशन केड़ा लदा हिन दिठो त घणे मां घणा अल्फा पार्टिकल सीधा पास थी विया एटम मां घणे मां घणा अल्फा पार्टिकल मोस्टली स्ट्रेट पास थी विया
फ्रॉम द गोल्ड फॉइल सोन जे एटम जे मथा ऐं हिन ॾिठो त फ्यू पार्टिकले कुझु पार्टिकले डिफरेंट एंगल ते मुड़ी विया फ्यू वेस्ट पार्टिकले डिफरेंट एंगल ते मुड़ी विया ऐं हिन ॾिठो त हिकिड़ो पार्टिकले अठ हज़ारनि मां हिकिड़ो पार्टिकल जेको बिल्कुल न्यूक्लियस जे विच ते अटकण वियो इहो पंहिंजी साइडे मुटी आयो या ईअं चऊं त ग्रेटर देन 90 डिग्री खां मुड़ी वियो या ईअं चऊं त सेम साइड ते मोटी आयो इन एविडेंस ॾिनो जेको वापसि आयो त एटम जो जेको वीचार हिसो आहे उहो रिजिड हार्ड ऐं पॉज़िटिव चार्ज थो रखे ऐं उन जे स्ट्रांग रिपल्शन जे करे अल्फा पार्टिकल जेको आहे वापसि मोटी आयो त रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट छा आहे स्केटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल स्केटरिंग माना अलग अलग थी वञण परे परे थी वञण जीअं बंदूक जो कारतूस मां छिलिया निकिरंदा आहिनि परे परे थी वेंदा आहिनि त हिते बि अल्फा पार्टिकल जो स्केटरिंग थियणु गोल्ड फॉइल मां अलॻि अलॻि थी ॿाहिरि निकिरणु आहे ऐं मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल सिधा पास थी विया आहिनि ऐं फ्यू वेस्ट पार्टिकल थोरी डिफरेंट एंगल ते मुड़ी विया आहिनि पर हिकिड़ो अल्फा पार्टिकल 8000 मां सिधो न्यूक्लियस ते वियो ऐं उहो वापसि पंहिंजे साइडे मुड़ी आयो या ईअं चऊं 90 डिग्री खां ग्रेटर डिग्रीअ ते मुड़ी वियो इहो पार्टिकल जेको पंहिंजे पासे ॾे मोटी आयो या 90 डिग्री खां वधीक डिग्रीअ ते मुड़ी वियो आहे इन एविडेंस ॾिनो त एटम खे न्यूक्लियस आहे एटम जो वीचार हिसो जेको आहे उहो मास सां भरियलु आहे एटम जो पूरो मास उते रखियलु आहे ऐं उन जे मथां प्लस चार्ज आहे ऐं उन जे स्ट्रांग रिपल्शन जे करे उहो पार्टिकल वापसि आयो हिन मां इहे अज़्यूम वरिता विया त एटम खे सेंटर पोर्शन में टोटल मास रखियलु आहे ऐं ॿियो एटम जे सेंटर पोर्शन खे न्यूक्लियस चइबो आहे ऐं उन न्यूक्लियस में प्रोटॉन रखियलु आहिनि. Okay, बाबा कंटिन्यू करना सी लाइट वे हले. अल्लाह हाफिज़.